बहुत कीमती वक्त निकाला है आप सबके लिए। जी से गुजारिश करूंगा कि वो बुके प्रेजेंट करें एमपी साहब को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको अडॉप्ट किया और उसके बाद फिर ये हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम फॉस्टरिंग ऑफ साइंटिफिक टेंपर इस साल की थीम है और इस थीम के हिसाब से हमारे वेलकम एड्रेस के लिए प्रोफेसर एस के गहलावत साहब को बुलाऊंगा, डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, डीन फैकल्टी ऑफ कॉलेजेस, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट साइंस। खूब सारे चार्जेस हैं सर के पास, बहुत मुश्किल से समय निकाला उन्होंने। थैंक यू सर। एंड हिज डिस्कवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर्ड फरवरी 28 एज नेशनल साइंस डे एंड दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड आर बीइंग मेड एट ए रैपिड रेट। In such an era, these type of programs facilitate supplemental learning and provide an excellent platform to share and learn about various aspects of technologically advancing world. These programs are a place to connect with each other and in creation of a new vision. The present century is a century of knowledge, indeed a century of mind, and it belongs to science, which has brought unprecedented advances in human and animal health, agriculture, food production, sustainable environment, physics, chemistry and all that. हमारे यूनिवर्सिटी परिवार के मुखिया डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, सभी जिला यूनिवर्सिटी शिक्षा को कहूँगा सर प्लीज आए। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सर, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, जिसकी वजह से आपको ये बढ़िया सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज दिख रहा है। अट्ठाईस फरवरी साइंस डे और हमारा ये ऑडिटोरियम मल्टीपर्पज हॉल जो कि पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं है लेकिन मन के अंदर आया कि साइंस डे जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इस ऑडिटोरियम में मनाया जाए और इस ऑडिटोरियम में ऐसे महानुभावों को आमंत्रित किया जाए जिससे कि युवा शक्ति प्रेरित हो। तो मान्यवर, आज इस ऑडिटोरियम साइंस डे मेगा जो फेयर पर हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी, मेंबर पार्लियामेंट सिरसा तथा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर एमएल रंगा जो कि हरियाणा के वरिष्ठतम कुलपति हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पीजीआई गुरु जांबेश्वर विश्वविद्यालय को साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी फैक्ट्स और ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में साइंस डे मनाया जाता है। और हमारी पांच ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है
जिनको की काम के आधार पर आज सम्मानित किया जाता है, आज हम एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ साथ साइंस डे पर मेगा जो फेयर जो डॉक्टर अशोक तंवर जी की पूरी देखरेख में ब्रिटिश काउंसिल और टाइम्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से विश्वविद्यालय ने पहल स्टूडेंट्स को बहुत कुलपति के नाते आपको साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एम एल रंगा जो बहुत ही व्यस्त हैं और कार्यक्रम को पूरा करके जा रहे हैं। समय ज़्यादा न लेते हुए अब मैं हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर एम एल रंगा साहब को बुलाने की गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आएँ, कुछ कहें। आदरणीय हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। प्राचीन समय में आदि मानव के पास ज्ञान था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई विज्ञान नहीं थी। तो जनरेशन टू जनरेशन जो आपने सीखा अगली पीढ़ी को बता दिया, उससे आगे अगली पीढ़ी को बता दिया। एक समय आया कि ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान के रूप में दिया जाए, ज्ञान को विज्ञान के रूप में दिया जाए और एक विज्ञान की शुरुआत, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसी के साथ साथ इस विज्ञान की शुरुआत हुई। स्क्रिप्ट की आवश्यकता था, एक खाद्य समस्या थी हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर साइंस और खासतौर से आपके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिस एकड़ में 5 मणा अनाज होता था आज वहां पर 40 मणा अनाज होता है। अगर ये देन है तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों की है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सीड्स तैयार किए, ऐसे खाद तैयार किए जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में आपका खाद्यान्न इतना मात्रा में उपलब्ध है कि आप दूसरे देशों, जिन्होंने ये सोच इस इलाके के लिए दी, नए वैज्ञानिकों के लिए, नए शोध छात्रों के लिए मेरी शुभ और मंगल में कामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को जानने, पहचानने की, समझने की जरूरत है। और इंटरनेशनल लेवल पर हम हल्दी और नीम को सिर्फ इसी वजह से बचा सके क्योंकि हमारे पास उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। अब मैं हमारे बीच में मौजूद एक अहम शख्सियत के मालिक डॉक्टर अशोक तंवर जी से गुजारिश करूंगा। तरह की चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, इस मुल्क के सामने हैं, साइंस के माध्यम से किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं कई बार इसको कोट भी करता हूँ और आज फिर मैं कोट कर रहा हूँ इस चीज को कि आज समय बदल गया है। हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते जब हम स्टूडेंट थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वो बोलते थे भाई देखो जिंदगी में कुछ कर लोगे तो कर लोगे और नहीं करोगे तो फिर मेरी तरह पढ़ाओगे। तो अंग्रेजी में उसकी कहावत अंग्रेजी में बोलते थे क्योंकि अंग्रेजी के टीचर थे, दोज हु डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो एक समय के साथ बदलाव आया है इसको भी आज समझने के लिए, तो आज अच्छे टैलेंट को, जहाँ साइंस के प्रति आज की जो थीम है आपने बोला ही है यहाँ पर, फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेंपर, अगर हम उस टेंपर को फॉस्टर नहीं करेंगे, नर्चर नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छे टैलेंट को आकर्षित नहीं करेंगे, उनके अंदर ये भावना नहीं डालेंगे तो कहाँ से हमारे अच्छे साइंटिस्ट तैयार होंगे। हालांकि वीसी साहब तो अभी बोल रहे थे कि 4500 बच्चे होंगे और उसमें से कम 2500 सेलेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल से कंडीशन रख के आज आपने बुलाया है कि भाई इतने बच्चे सेलेक्ट करोगे तो मैं जो फेयर लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन अच्छी भावना है वीसी साहब की कि जहाँ बच्चे तैयार होते हैं, बच्चों को रोजगार मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े हुए, ये भी बहुत जरूरी आगे बढ़ाए। पीछे 12th ईयर प्लान में एक महत्वपूर्ण सरकार ने, क्योंकि इसी चीज को देखते हुए कि आज साइंसेज में हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो कहीं और दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है, इसलिए उसको हम साइंस की तरफ आकर्षित करें। साइंस मैग्नेट स्कूल एक नया कॉन्सेप्ट पता नहीं शुरू हुए देश में, नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन 12th प्लान में ये था कि पूरे देश में हम साइंस मैग्नेट स्कूल शुरू करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर इम्पोर्टेंस है, हायर एक्सीलेंस है, IIT है, कहीं और दूसरी इस तरह की संस्थाएं हैं, धातु विज्ञानी है, हाँ तो मेटलर्जी है, साइंस है, मेडिसिन है हमारे, और अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें
मैथ्स की बात करें, ये इसमें तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इस बात को गानों के माध्यम से भी गाते हैं कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वहां पर जा करता हूँ कि आने वाले समय में साइंसेस के प्रति बच्चों को, अच्छे बच्चों को जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम आकर्षित करके और इस देश को और हमारा जो एजुकेशन का ताना बाना है, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सब आप लोग पहुँचे उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि CDLU के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, अगर एकेडमिक उसके हिसाब से हम देखें कि एक तरफ मेगा जॉब फेयर है, दूसरी तरफ एजुकेशन की टक्कर हो सकता है, लेकिन हम इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए, इस इलाके के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा बेस्ट टैलेंट है उसको अवसर देंगे और इस इलाके को और तेजी के साथ मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अभी बच्चों के अभी हमारे टीचिंग और दूसरे साथी जो भी यूनिवर्सिटी के हैं उन सबका पूर्ण सहयोग हो। और जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो इसी हिसाब से पहले भी चर्चा करता रहा हूँ और भी आगे यूनिवर्सिटी को और किस तरीके से आगे बढ़ाएं इसके लिए सब लोग के लिए कि रमन इफेक्ट फिजिक्स के लोग बैठे हैं ज़्यादा अच्छी तरह टेक्निकली बता पाएंगे, लेकिन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो शायद आसमान नीला क्यों दिखाई देता है या समंदर हरा क्यों दिखाई देता है, ये उसका एक बेहतर। बहुत जल्दी से अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं क्योंकि व्यस्त बहुत हैं। मैं डॉक्टर मंजू से यहाँ आए प्लीज तालियों में कमी ना करें। और भी इसलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीट कराया तो इसने एक स्पेसिफिक साइट पे कट किया और टी डी एन ए भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो मेन उसको फोर्स नहीं करता, वो मैं नहीं आपस में करती थी, मेरी बेटी की शादी में मिला तेरे क्या मिला नहीं मिला, हमें छोटी गाड़ी मिली आपको बड़ी गाड़ी मिली थी, या हमारी बहू के कितना सोना है। पीओपी और सिरामिक क्ले के यूज से, पीओपी और सिरामिक क्ले के यूज से आपको ये सब बनाया गया है, ये सब इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल यूज है। जयपुर साइड जाएंगे आपको सारी ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दिखेगी वहाँ पे, तो दिस इज ऑल अबाउट पीओपी सेक्शन। नाउ नेक्स्ट दिस रिएक्शन ऑफ फेयर इस टाइप के पर्पजेस के लिए आप डिसएडवांटेजेस पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, हम इसे एडवांटेजेस पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। शराबा ज्यादा होता है उसके लिए हमने यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन चेक करना था, एक पर्टिकुलर लिमिट होगी नॉइज चेक करने की, ठीक है, कि उससे अगर ज्यादा साउंड जैसे अवेलेबल ऑलवेज। यहाँ तो सबसे नजदीक हिसार वाला प्लांट है, वो ही देख लीजिए आप, सब पता है क्या करते हो आप लोग BSc सेकेंड ईयर में, हाँ पर ये सब MM कॉलेज वाले हैं, ये क्या है अलग अलग कॉलेज, ये कागज ना तो दोबारा यार, मैं अब भी है हमारे।